अगर इन सभी समस्याओं से आपको निपटना है और उत्पादन को बनाए रखना है तो थोड़ी बहुत पोषण की तरफ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। उन सबों पे आप थोड़ा, जैसे मैं खासतौर से अगर कहें तो आप केक की मात्रा जो है, या जो खल्ली जिसको कहते हैं, दाना मिश्रण में जो खल्ली मिलाते हैं, उनमें आप 15-20% खल्ली की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेज का जो चारा से उनके पोषक तत्वों की जो मात्रा हम लोग लेते हैं, अगर चारा से अगर पोषक तत्व दे पाएँ तो और अच्छा, गुणवत्ता युक्त चारा की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इससे पशु और भी आरामदायक स्थिति में रहते हैं और आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बनाए रखते हैं। तथा मिनरल मिक्सचर, आप यहाँ पे दुधारू पशुओं को कम से कम 2-3% मिनरल मिक्सचर और अच्छे क्वालिटी की मिनरल मिक्सचर को ही आप चुनाव करें, जिसमें सभी मिनरल्स की उचित मात्रा मिली हुई रहती है। उस तरह के मिनरल मिक्सचर की मात्रा 2-3% आप दें। और नमक भी इस मौसम में अवश्य मिलाएँ, जो खाने की नमक होती है वो 0.5-1% की मात्रा ज़रूर मिलाएँ। तो इन सब की व्यवस्था करें तो आपके पशुओं में जो उत्पादन है, उत्पादन पर जो इस मौसम का जो मार पड़ता है, इससे आप बच सकते हैं और इस ठंड के मौसम में भी आसानी से आप उत्पादन ले सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बकरी पालन या भेड़ पालन कर रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप अपने पशुओं को, या गाय भैंस भी जो कर रहे हैं, अभी कोहरा सुबह काफ़ी रहता है, तापमान में गिरावट काफ़ी रहती है, तो जब चराने के लिए ले जाते हैं वो कोशिश करें कि 8-9 बजे के बाद ही, जब थोड़ी धूप आ जाए तभी आप ले जाएं। और किसी किसी किसान को ये आदत रहता है कि लेट इवनिंग तक चराते रहते हैं, तो इस मौसम में कम से कम आप 4 बजे तक में घर लौटा लाएँ तो अच्छा है। मतलब कहें तो 9-4 के बीच में चराने वाले पशुओं को आप चराएँ, तो तापमान का जो गिरावट का असर है तो आपके पशुओं पर नहीं असर नहीं होगा, विशेष करके बकरी पालक में, भेड़ों से ज़्यादा बकरियों में ये ठंड का असर ज़्यादा होता है और इससे निमोनिया, PPR, इंट्रोटॉक्सिमिया, ब्लॉट, इस तरह की बीमारियां होने की भी संभावना बढ़ती है। विशेष करके जो नवजात मेमने हैं उन सबों पे जो निमोनिया की या सांस से संबंधित बीमारियों से शुरुआत होती है और दूसरे कई तरह के बैक्टीरियल बीमारियां भी उनके घर कर जाते हैं और मृत्यु दर बढ़ने लगती है। तो निश्चित तौर पर उन सबों को, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और किसान भाइयों, अगर आप अपने बकरी और भेड़ों को PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया का टीका अगर नहीं कराए हुए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके PPR और इंट्रोटॉक्सिमिया की टीकाकरण अवश्य करा लें। इसके अलावा सभी खुर वाले जानवरों में खुरा चपका होने की संभावना इस मौसम में अधिक होती है, तो आप खुरा चपका का भी टीकाकरण अगर नहीं करा पाए हैं तो जितना जल्द हो सके अपने पशुओं को खुरा चपका का टीकाकरण अवश्य करा लें। तो इस तरह से यदि पशुपालक भाई विशेषज्ञों की सलाह मानकर ठंड के मौसम में अपने पशुओं के लिए समुचित प्रबंधन करें तो उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।